हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बिसेमराइजेशन। बिसेमराइजेशन एक्चुअली जो टॉपिक है ये, जब आप कॉपर पाइराइट से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से जस्ट पहले का एक टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं बिसेमराइजेशन। इससे हम लोग जो कॉपर प्राप्त करते हैं उस कॉपर का नाम है ब्लिस्टर्ड कॉपर। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम ब्लिस्टर्ड कॉपर, सॉरी हाउ विल यू ऑब्टेन ब्लिस्टर कॉपर, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये ब्लिस्टर कॉपर जो है हम एक्चुअली में कॉपर मैट से प्राप्त करते हैं, और ये कॉपर मैट जो है ये हमें मिलता है स्मेल्टिंग से। जब हम कॉपर का मेटलर्जी पढ़ते हैं तो कॉपर की मेटलर्जी के अंदर एक प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं स्मेल्टिंग, जो कि एक रिडक्शन प्रोसेस होता है जो हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उस ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग के लास्ट में जो हमें कॉपर मिलेगा उस कॉपर को हम लोग बोलते हैं कॉपर मैट। एक्चुअली में कॉपर मैट है क्या? कॉपर मैट है Cu2S एंड FeS। इन दोनों का जो मिक्सचर हमें मिलता है, जो कि मोल्टन फॉर्म में कॉपर होता है इसमें, उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कॉपर मैट। ये ध्यान रखना है, स्मेल्टिंग जिसे हम हिंदी में प्रगलन कहते हैं, इस प्रगलन के अंदर या स्मेल्टिंग में जो लास्ट में आपको मोल्टन फॉर्म के अंदर कॉपर मिलता है वो कॉपर मैट कहलाता है। अब इस कॉपर मैट से हमें कॉपर चाहिए। अब कॉपर को कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसके लिए जो हमारे पास प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन के अंदर भी हम एक फर्नेस काम में लेते हैं, उस फर्नेस को कहा जाता है बेसेमर कन्वर्टर। जैसा आप यहां देख सकते हैं, ये बेसेमर कन्वर्टर का डायग्राम है, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं। बेसेमर कन्वर्टर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका शेप जो है, वैसे हम लोग कहते हैं कि वो नाशपाती के शेप का होता है, तो इसमें बेसेमर कन्वर्टर के अंदर जो अंदर की लेयर है, ये इंटरनल लेयर जो है ये सिलिका की बनी हुई है, और इसके अलावा इसमें ट्यूयर बने हुए हैं। इस ट्यूयर की हेल्प से हम यहाँ अंदर हॉट एयर को ब्लो कर सकते हैं। साथ में इसमें सिलिका, जिसे हम रेत कहते हैं, सॉइल कहते हैं, तो वो रेत या सॉइल जो है वो इसके साथ में अंदर भेजी जाती है, जो कि फ्लक्स का काम करता है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो SiO2 का हमने यूज किया है वो फ्लक्स की तरह काम में लिया है। ये फ्लक्स क्या करता है, जो इंप्योरिटी है उसके साथ रिएक्ट करके और उसे स्लैग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम के अंदर एक और खास बात है कि ये जो बेसेमर कन्वर्टर है ये मूवेबल है, इसको आप मूव कर सकते हैं, और मूव करके इजली इसमें से आप जो कॉपर मैट जब कॉपर में कन्वर्ट होता है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं इसके अंदर प्रोसेस किस तरह से होता है। तो जैसा हमने कहा कि जब ये प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम कॉपर मैट डालते हैं। कॉपर मैट के लिए मैंने बताया Cu2S और FeS दो चीजें होती हैं इसके अंदर। अब क्योंकि हमें बेसेमराइजेशन से कॉपर चाहिए, आयरन नहीं चाहिए, तो हमारे पास जो इंप्योरिटी की फॉर्म में एक FeS है, फेरस सल्फाइड। इस FeS को हमें रिमूव करना है। इस FeS को रिमूव करने के लिए हमारे पास बेसेमराइजेशन के अंदर एक अलग से, आप देख रहे हैं, SiO2 की लेयर है, इंटरनल लेयर है SiO2 की। इसके अलावा हम यहाँ हॉट एयर के साथ में SiO2 को भी ब्लो कर रहे हैं, तो ये SiO2 इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले FeS FeO में कन्वर्ट होगा। इस तरह से कि जब आप इसके अंदर हॉट एयर को ब्लो करेंगे तो ये हॉट एयर FeS को FeO में और सल्फर को SO2 में कन्वर्ट करेगा। सल्फर जो है वो गैसियस फॉर्म में है तो सल्फर तो इसमें से बाहर निकल जाएगी, और जो FeO है, ठीक है, ये हमें रिमूव करना है। अब FeO आप बताइए, मेटल ऑक्साइड है, तो ये बेसिक या एसिडिक, दोनों में से किस नेचर का होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है तो इसका मतलब ये बेसिक होगा। तो जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि बेसिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए आप किस तरह के फ्लक्स का यूज करते हैं, एसिडिक फ्लक्स का। अब एसिडिक फ्लक्स कौन होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, जैसे SiO2 है, ये एसिडिक है, तो अगर हम इसको SiO2 से रिएक्ट कराते हैं, ये हमारे पास इंप्योरिटी है। इंप्योरिटी इंप्योरिटी क्यों है, क्योंकि हम किसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉपर का, तो हमें कॉपर चाहिए, हमें आयरन नहीं चाहिए, तो आयरन को हम इंप्योरिटी की फॉर्म में रिमूव करेंगे। तो यहां पर ये आयरन ऑक्साइड जब इस फ्लक्स से रिएक्ट करता है, तो इसे रिएक्ट करके ये बनाता है FeSiO3, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैग। एक्चुअली में स्लैग क्या है, कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि स्लैग किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज हैं जब वो स्लैग से रिएक्ट करती हैं तो एक फ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होती हैं, उसे ही हम
क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। तो स्लैग इज फ्यूजिबल इम्प्योरिटी, फ्यूजिबल सब्सटेंस विच इज मेड अप बाय रिएक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज एंड फ्लक्स। ओके, तो जो ये FeSiO3 हमारे पास बना है, जो स्लैग बना है, ये स्लैग को सेपरेट कर लिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है Cu2S, जिसे हमें कॉपर चाहिए। अब ये जो Cu2S है, Cu2S जब आप इसमें हॉट एयर ब्लो कर रहे हैं तो नेचुरलाइज इससे रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट होगा Cu2O एंड SO2 में। तो SO2 तो गैस है जो रिमूव होगी, लेकिन जो Cu2S Cu2O में कन्वर्ट हो गया है, इस Cu2O बनने के बाद, कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद, इस कॉपर सल्फाइड से दोबारा रिएक्ट करेगा और इसका रिडक्शन होगा इस तरह से। ये Cu2S हमारे पास ऑलरेडी है और जो नया बना हुआ Cu2O है, ये इससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देगा 6 Cu+SO2। ओके, तो ये 6 Cu जो है, ये हमारे पास कॉपर है जो मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। अब इसमें एक और इंपोर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है कि आप देख रहे हैं इन सभी प्रोसेस के अंदर हमारे पास SO2 गैस रिमूव हो रही है और जो कॉपर हमें इस हाई टेम्परेचर पर मिलेगा वो मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। अब ये कॉपर में से जब ये SO2 गैस बाहर निकलेगी, तो इस SO2 गैस के बाहर निकलने पर बबल्स प्रोड्यूस होंगे और ये बबल्स धीरे धीरे बर्स्ट हो जाएंगे और बबल्स के बर्स्ट होने पर हमें इसका जो सरफेस है कॉपर का, वो इस तरह से नजर आएगा जैसे कि इसमें ब्लिस्टर बन गए हो। ब्लिस्टर मीन्स छाले बन गए हो या फफोले बन गए हो, और इसी वजह से, इसी रीजन से हम इसे ब्लिस्टर्ड कॉपर या फफोलेदार तांबा कहते हैं। बोर्ड में ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लिस्टर्ड कॉपर को आप कॉपर मैट से किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो ध्यान रखें, अगर ब्लिस्टर कॉपर की बात हो रही है, दैट मीन्स आपको बेसेमराइजेशन को एक्सप्लेन करना है और बेसेमर कन्वर्टर के अंदर जो रिएक्शन है आपको वो दिखानी है, और इसमें आप कॉपर मैट से कॉपर को ऑब्टेन करते हैं और कॉपर भी कौन सा? ब्लिस्टर्ड कॉपर। ये चीज ध्यान रखें। तो आई होप आपको बेसेमराइजेशन समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ नए वीडियो के साथ वापस आपसे मिलेंगे। तब तक हमारे इन वीडियो को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर आपकी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी है या आपको कोई डिफिकल्टी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसके बारे में लिखें ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो बना सकें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।